हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुरुकुल परिवार में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख चुके होंगे, पिछले दो वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी ये दो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें, ठीक है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। नया टॉपिक हमारा क्या है? सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो का बहुत बहुत फायदा मिल पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस की कहानी क्या है समझते हैं। चलिए, आज इसका पार्ट वन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट वन है, ठीक है। आप हमेशा जब भी वीडियो देखें तो देख लीजिएगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पार्ट वन पार्ट टू चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले होमवर्क की बात करते हैं। आपको मैंने कुछ होमवर्क में दिया था, सभी का होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। देखते हैं कि होमवर्क के क्वेश्चन क्या थे। ये सवाल आपसे बन गया होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा पहले मैं वो बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर दो है। ये कैसे आया होगा तो देख लेते। देखो यहां पर आपके सामने फ्रैक्शन है। कल हमने फ्रैक्शन के बारे में कहानी सीखी थी। पूरी कहानी क्या थी? तो सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और कंटिन्यूस फ्रैक्शन, जो कि बहुत टेढ़ी खीर होती है कंटिन्यूस फ्रैक्शन। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस पार्ट पे बात करेंगे और फिर इस पार्ट की बात करेंगे। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर आपको पता था 5 × 5 करना रहेगा। 5 × 5 यानी 25 और एक गया तो 24। तो ये हो गया 24/5। बट हमने क्या सीखा था कि बटे के बटे में आ जाए कुछ, तो वो कहां जाता है? वो कहां जाता है बच्चों? ऊपर चले जाता है। तो ये 5 ऊपर चले गया, जैसे ही 5 ऊपर गया इसको काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो जाएगा? तो 24 × 2 कितना हो जाएगा? 48। 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो अपनी कॉपी में, ये 53 हो गया। बटे में फिर से क्या आ जाएगा? 24। अब ये 24 फिर से ऊपर चले जाएगा, चलो ये भी आ गया। इसको हटा लो यहां से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब 53 × कितना करना है? 2, यानी कितना हो जाएगा? 106। 106 में 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 130। यहां पर धीरे से लिख लो 130, ठीक है। ये सब कुछ काटते चलो, अब बचा क्या होगा 130 में? अब वापिस आ गया 53। ये 53 फिर से ऊपर चले जाएगा, ये आ गया 53। फाइनली क्या बन रहा है, ध्यान रखना, क्या बन रहा है? केवल 53/130। चलो अब इसकी कहानी समझते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल करना मैंने सिखा दिया था, बहुत सिंपल है। 3 × 2 = 6, 6 और 1 = 7, 7/2 प्लस 7 × 1 = 7, 7 और 1 = 8, 8/7। मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना, ये फालतू चीज है। डायरेक्ट गुणा करो, 49 × 49 = 49, 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 14। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 और 1 ले लो तो 50 और 15 यानी 65, 65/15 = 14। चलो ये हो गया कहानी, ये संभाल लो अलग से, ये एक संभाल लिया, ये अलग से निकाल लो। तो 7 × 4 = 28 और 2 = 30, 30/7। चलो 1/2 घटाना है, डायरेक्ट गुणा करो, 60 में से 7 गए 53, 53/14। अब देखो कहानी क्या समझ में आ रही है कि सर अब बचा है ऊपर 53/14, नीचे भी 65/14, तो 14 से 14 कैंसल, बचा क्या? 53/65। कितना बचा है? 53/65। आगे क्या बचा बेटा? डिवाइड कर रहे हैं हम 53/130 से। अब मैंने सिखाया था कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का भाग लगाना थोड़ा मजबूरी में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम नॉर्मल तो भाग लगा नहीं पाते, अब क्या करेंगे? भाग को चेंज करो, किस में चेंज होगा? गुणे में, सिखा दिया है, ठीक है। पिछला वीडियो जाकर देख ले, जिसको भी नहीं पता है कैसे होता है। ये ऊपर और ये नीचे, चलो 53 से 53 उड़ा दिया, 65 एकम 65, ये 2 उड़ा दिया, खोदा पार निकला 2। चलो चले अगले सवाल पे, चलो वापस से। ये भी एक होमवर्क था, क्या था होमवर्क? ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन का था, इसको भी सबने कर लिया होगा। चलो देख लेते एक बार फिर से, नीचे से शुरुआत करते हैं ना भैया, नीचे से शुरुआत करो ऊपर, सबको नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर। 5 एकम 5 और 4 = 9, 9/5 ये जाएगा ऊपर, इसके साथ यह लाइन खींचना ना भूले। अब ये काट दो क्योंकि ये ऊपर चले गया, इसको इससे काटते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 5 = 11, ये 11 ऊपर जाएगा। क्या था यहां से? 3 था, 3 ऊपर, 3 × 2 = 6, ध्यान रखना 6/11, 11 एकम 11, 11 × 6 = 17, कितना हो जाएगा? 1/17/11, 11 फिर ऊपर, ये बन गया 11, हटाया 1 + 1/17। अब बताओ बच्चों ऑप्शन में क्या नजर आ रहे हैं? ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन है, अभी यहां से आगे मत बढ़ जाना, अभी रुक जाना, आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया, हम क्यों उसको सॉल्व करेंगे? मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए बच्चों, केस सिखाया था, पिछला वीडियो देख लेना, ये बस हमको क्या करना रहेगा, पूरे नंबर के साथ कोई नंबर जोड़ रहे हैं तो हम इसको सिर्फ क्या कर देंगे? चिपका देंगे,
चिपका दो इसको, ये प्लस गायब हो जाता है, मैंने सिखा दिया है, वीडियो देख लो, ये रहा राइट आंसर। चलो ये तो कहानी थी बच्चों कल की, आज की नई कहानी, आज का नया खेल क्या है, घातांक और करनी। क्या होता है घातांक और करनी सर? सर्च एंड इंडाइसेस। किसको बोलते हैं घातांक, किसको बोलते हैं करनी? तो भैया सर्च को बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी। दिखता कैसे सर? ऐसे। इंडाइसेस, इंडाइसेस क्या होता है? तो ये इंडाइसेस, इंडाइसेस को हम क्या बोल देते हैं? घातांक। सर दिखता कैसे? दिखता ऐसे। कैसे दिखेगा? मान लो ये दो लिया एक नंबर अपन ने, इसके आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, इसके माथे पे धीरे से कोई नंबर चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो? तीन चढ़ा दिया, चढ़ा दिया इसके माथे पे, कितना चढ़ा दिया? तो दो की घात बोलते हैं, कितना? तीन। दो की घात क्या हो गई? तीन। दो की घात तीन, तो यही तो हो गई बेटा घातांक। इसको ही बोलते हैं घात में अंक, घातांक। अब हम जनरली करते क्या बेटा, जो इंडाइसेस होता है उसको हम बोलते हैं पावर है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? पावर। और इस पावर को हम बोल देते हैं घात। तो घात घातांक में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, सिंपल सिंपल सा चलने दो, सिंपल सिंपल सा बढ़ने दो। अब सर ये घातांक आया कहाँ से, ये घात आया कहाँ से, ये चीजें बढ़ी कहाँ से, आगे कैसे करनी हुई, कैसे घातांक में चेंज हुई, तो सब समझते हैं धीरे धीरे। पहले इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है यहाँ पर, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आगे में क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो पहले रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। घातांक और करणी, तो आज हम बच्चों सिर्फ क्या पढ़ेंगे? घातांक। घातांक क्या पढ़ना है? केवल घातांक और घातांक करणी कल सीखेंगे। घातांक यानी हमने इसको पावर पावर बोलेंगे, इंडाइसेस भी बोल सकते हैं आप, पावर में चलेंगे। किस में चलेंगे? पावर में चलेंगे। जनरली पावर की बात करते तो पावर कैसे आता है? पावर आप समझते हैं कब आता है? जब एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते तो वहां क्या आ जाता है? पावर आ जाता है इसके पास सामने वाला। मान लो एक व्यक्ति अकेला बैठा था, ठीक है, इसके साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया, इसके साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया, तो आ गए पावर में। अब ये जुड़े किससे थे? गुणे से। तो ये धीरे धीरे एक नंबर दूसरे नंबर से गुणा हुआ, उसी नंबर का तीसरा एक और व्यक्ति आ गया, इनके पास क्या आ गई बेटा? पावर आ गई। जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो वह पावर इकट्ठे हो जाती है। इसी पावर की बात करते हैं तो जब ऐसे जाते जाते कहां तक चले जाए? एन तक। कहां तक जाना है? एन तक, ठीक है, एन तक जाना है। एन तक जाना मतलब यहां पर हमने क्या करा? अब बार बार हम कितना बोलेंगे कि एन लोग थे, एन लोग थे, हमने काम करा, क्या करा? ए को लिया, कितने हैं? एन तक। तो इसके माथे पे के लिए क्या लिख दिया? एन। जब हमने किसी नंबर के माथे पे क्या लिख दिया? एन। एन लिख दिया तो ये क्या दिखा रहा है? घातांक। क्या दिखाता है बच्चों? घातांक दिखाता है। अब इस नंबर को हम क्या बोल देते? तो इसमें ये बेटा हो जाता आपका बेस। क्या हो जाता है? बेस। बेस यानी आधार। और ये हो जाता है घात। घात यानी पावर, ठीक है, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, बैच है हमारी, फटाफट चलो भी फटाफट, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये जो पावर होता है बेटा, ये जब बना है, ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसके भी कुछ रूल्स होंगे, तो अब हमें क्या पढ़ना आगे सर? तो आगे क्या पढ़ेंगे बच्चों? आगे पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे घातांक के कुछ रूल्स, और उस रूल्स पे करेंगे कुछ सवाल। चलो करते हैं शुरू, आगे बढ़े आपकी परमिशन के साथ। चलो पहला रूल आ चुका है, रूल्स ऑफ इंडाइसेस लिखा है ऊपर, दिख रहा होगा सबको, अच्छे से दिख रहा है ना? देख लो भैया एकदम क्वालिटी बढ़ा के। रूल्स ऑफ इंडाइसेस, रूल्स ऑफ इंडाइसेस की बात करते हैं, तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस में क्या है? पहला रूल है कि अगर भैया कोई दो ए और ए, जिसकी एक की घात एम और दूसरे की घात क्या हो जाए? एन, गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर? गुणा हो रहा है, मतलब कोई एक नंबर था उसकी कोई दूसरी घात थी, वही नंबर था और कोई दूसरी घात थी, और जब दोनों टकरा गए तो यहां पर जो हुआ फाइनल का रिजल्ट क्या आया? कि दोनों घातें आपस में जुड़ गई। इसका मतलब अगर मैं ले लूं, क्या ले लूं बेटा, कि दो की घात दो, गुणा कर दूं दो की घात किससे? तीन से, तो रिजल्ट क्या आएगा? दो की घात दो प्लस तीन, यानी दो की घात दो और तीन कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये पहला रूल है, बेसिक रूल है कि भैया अगर आधार समान है, क्या समान है, हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार समान है, बेस समान है, तो करना क्या रहेगा? अरे भैया आधार समान है और यहां पर संख्याएं क्या हो रही है? गुणा हो रही है। क्या हो रही है? ध्यान रखना, गुणा हो रही हो, संख्या क्या हो रही हो? गुणा हो रही हो, तो घाते आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है भैया, ठीक है, पहला रूल सभी को क्लियर होगा। चलो अगले रूल पे चलते हैं। अगर ऐसी ही कहानी कि भैया अगर दोनों नंबर के क्या आधार समान हो, दोनों नंबरों का आधार समान हो, घाते अलग अलग हो,
आधार समान हो, खाते अलग अलग हो, और ऑपरेशन क्या करना हमको, डिवाइड का, यानी नंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, भाग लगा रहे हैं एक में दूसरे नंबर को, तो खाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, तो देखो भैया, दो की घात या अगर मैं तीन लिख दूं, उसमें डिवाइड कर दूं, दो की घात किस से, दो से, आधार क्या है बच्चों, समान है, ऊपर भी दो नीचे भी दो, घात तीन यहां पर घात दो, अब क्या होगा, घाते आपस में क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी, तीन में से दो गया तो एक बचेगा। और बच्चों हम एक को लिखते नहीं है ना, घात जब भी एक आती है, ध्यान देना ये रूल भी, कि जब भी किसी नंबर के माथे पे कुछ नहीं लिखा है तो उसके माथे पर क्या लिखा है, उसके माथे पर क्या लिखा है, एक लिखा है, ठीक है। जिस नंबर के माथे पे कुछ नहीं, उसके माथे पे क्या होगा, एक होगा, यानी घात क्या होगी, एक होगी, लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब ये और मैं डीप में बता देता हूं, कैसे डीप में बता देता हूं, सर ये होता कैसे है, ये रूल तो आपने बता दिया बना कैसे, तो देखो भैया ये दो को मैंने दो बार लिख रखा है, दो यानी दो गुणी दो होगा, एक गुणा तो पहले से था ये वाला, ठीक है, इसको अपन सर्कल कर लेते हैं, फिर दो गुणित दो गुणित दो कर दिया, हो गए सारे, अब इकट्ठे कर लो, गिनती करो, एक दो तीन चार पांच, हो गया, ठीक है, खत्म। चलो यहां भी देखो, यहां क्या होता है, यहां ऐसा नहीं होता, यहां गिनना विनना नहीं है, यहां क्या करेंगे, दो गुणित दो गुणित दो बटे में दो गुणित दो, ठीक है। अब आपको मालूम है ऊपर नीचे गुणा ही गुणा हो रहा है, काट दो सबको, उड़ा दो, इसको इससे उड़ाया, इसको इससे उड़ाया, कौन बचा, दो आया, दो देखा आया कि नहीं आया। चलो अगले नियम पे, अगला नियम क्या बोल रहा है भैया, कि अगर कोई नंबर हो उसकी कोई घात हो, और घात पे भी क्या चढ़ा दो, घात चढ़ा दो, चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, चढ़ा दो, ठीक है। यानी एक की घात m और एक की घात n, तो ये रिजल्ट क्या देता है बेटा, एक की घात m और n दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। आ रहा समझ में, घात पे घात चढ़ा दो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। अभी घातें जुड़ रही थी क्योंकि नंबरों का गुणा होता, ठीक है, घाते घट रही थी क्योंकि नंबरों का डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब घाते आपस में टकरा रही है, नंबर तो एक ही था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो कि अगर दो ले लिया बेटा, दो की घात तीन और दो की घात बाहर दो लगा दिया, घात की भी घात लगा दी, क्या लगा दी, घात की भी घात लगा दी, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो दो तीन दूनी कितना बन जाएगा, छः, मतलब दो की घात क्या आ जाएगा, छः, समझ में आ रहा है। चलो बच्चों इसमें ध्यान रखना एक चीज, कि ये इस तरह से ही होना चाहिए, देखो ये ब्रैकेट का बहुत रोल है। अगर कभी आपको फॉर एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए कि a की पावर m, ठीक है, और उसकी पावर n, और फिर ब्रैकेट उसकी पावर x बोल दिया जाए, तो आपका रिजल्ट जो बनेगा बच्चों वो बनेगा a की पावर m, n और x। लेकिन अगर a की पावर क्या हो जाए, m, और m की पावर n है, और उसकी भी पावर कोई चढ़ जाए, तो उसका रिजल्ट अलग आता है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका इसका रिजल्ट दो अलग अलग आने वाला है। कैसे अलग अलग आने वाला है सर, तो देखो ऐसे होगा, कैसे होगा, तो दो की घात मान लो, मान लो दो हो गई, ठीक है, ऊपर मान लो क्या हो गया, दो की घात तीन हो गई, इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो अलग आएगा, क्यों, क्योंकि पहले दो की घात तीन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, दो की घात तीन करेंगे, तो दो ही रहेगा, दो की घात तीन यानी, दो की घात तीन यानी कितना हो जाएगा, आठ, तो दो की घात डायरेक्टली कितना हो गई, आठ। और अगर ऐसे करूंगा तो इसमें ऐसा लिखूंगा कि दो की घात दो और बाहर तीन, ब्रैकेट से बंद करना है, ब्रैकेट मत हटा देना, तो ये आ जाएगा दो की घात छः। क्या कभी भी दो की घात आठ और दो की घात छः का मान बराबर आ सकता है, कभी नहीं आएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर आ जाए। आ रहा है समझ में, चलो अब इसको क्लियर करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या चीज है, ये भी कहानी है। अगला नियम दिख रहा है, अगला नियम क्या बोलता है, अगला नियम बोलता है कि जब किसी भी संख्या की घात माइनस में आ जाए, अरे भैया संख्या प्लस में भी चलती माइनस में भी चलती है, घात अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे, जैसे ये घात माइनस में आ जाती है तो जो संख्या होती है उसको पलट दो, किससे पलट दो, एक के बटे में डाल दो, एक के बटे में कैसे डाले सर, तो एक बटा क्या हो जाएगा, एक ही घात एन। फॉर एग्जाम्पल समझाओ सर, ऐसे नहीं मजा आ रहा, मान लो ये लिया दो, और दो की घात क्या ले ली, माइनस की तीन। अब देखो क्या करना है, संख्या पलटना, यानी दो बटा एक मान लो इसको, क्या हो जाएगा, एक बटा दो, और ये हो क्या जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, वापस से प्लस आ जाएगी। अगर यहां नहीं लिखना है तो फिर यहां लिख दो, यहां नहीं लिखना हो तो यहां लिख दो, कहां लिखोगे, यहां लिख दो, बात तो एक ही होती है, ठीक है, पलट दो और नीचे घात चढ़ा दो, घात को माइनस से कहां ले जाएंगे, प्लस में, पहले घात माइनस से प्लस में जाती है फिर ही हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो ये रूल भी बहुत जरूरी है कि घात अगर माइनस में हो तो संख्या पलट जाती है। चलो आगे बढ़ो, अगले नियम पे चलते हैं।
क्या अगला नियम? अगला नियम दिया है कि भैया कोई संख्या पहले से डिवाइड है, यानी एक में दूसरे का भाग लग रहा और उसकी कोई घात चढ़ा के दे दी दोनों की घात चढ़ा दी, तो क्या हम दोनों को अलग अलग घातों में लिख ले? सर लिख लो भैया, क्या परेशानी है? मान लो 2/3 इसकी घात लिख दी हमने, 2 लिख दी, यानी अब हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 की घात 2, 3 की घात 2 कर सकते हैं। हाँ भैया ऐसा पॉसिबल है। तो अगला नियम इसी पे है कि दो नंबर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो और घात एक ही हो दोनों के लिए, तो आप अलग अलग नंबरों को अलग अलग घाते दे सकते हैं, मतलब वही घात दोनों नंबरों को दे सकते हैं। आ रहा समझ में? अगला नियम ये रहा, क्या रहा कि एक ही पावर m और एक ही पावर n ऐसा कोई आ जाए और दोनों बराबर हो, मतलब इधर भी कोई संख्या लेकिन घात अलग, उधर कोई संख्या घात अलग, तो वहां पर क्या होगा कि भैया इसको बोलते हैं आधार समान हो जाए तो घाते भी समान होगी। घाते भी क्या होगी? समान होगी। आधार समान होगा तो घाते भी समान होगी। आ रहा है समझ में? सभी को क्लियर हो रहा है? छोटे छोटे से नियम है। अगला नियम यही बोलता है कि आधार समान होने पर घाते समान होती है। ठीक है, चलो भैया लास्ट नियम क्या है आपका कि भैया किसी की भी घात, सर आपने प्लस बता दी माइनस बता दी, जीरो हो सकती क्या? हाँ भैया क्यों नहीं हो सकती, जीरो भी तो हो सकती है। अगर किसी भी संख्या की घात जीरो हो जाए उसका मान क्या होगा? सर उसका मान कभी भी दुनिया इधर से उधर होने पर एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा, मतलब मैंने लिख दिया 2 की घात 0 इसका मतलब भी 1, 3 की घात 0 इसका भी मतलब 1, मतलब दुनिया में कोई भी नंबर उसकी घात जीरो माथे पे लिखा 0 मतलब वो बस केवल एक का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक का काम करेगा। छोटे छोटे से नियम थे, देख लो क्या क्या नियम पढ़े हमने, फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि आधार समान हो तो घाते अलग अलग होने पे घाते जुड़ जाएगी, आधार समान हो तो घाते अलग अलग होने पे अगर डिवाइड हो रहा है और यहां पर इंटू हो रहा है तो यहां घाते घट जाएगी। अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि घात की भी घात आ जाए तो घाते आपस में गुणा हो जाती है, और अगर घात माइनस में आ जाए तो संख्या पलट जाती है। देखो पलटती ऐसी भी है ना, ध्यान रखना। मान लो 2/3 लिखा है बच्चों, कितना लिखा है? 2/3। क्या लिखा है? 2/3 लिखा है। कैसे लिखा है? ऐसे 2/3 लिखा है, ये 2/3 लिखा है। ठीक है, और यहाँ घात आपने चढ़ा दी माइनस की 2, तो इसका मतलब अगर घात पॉजिटिव करनी है, प्लस में करनी है वापस से, तो आप क्या लिख दोगे? 3/2, और घात क्या लगा दोगे? 2। ये हो गया इसका नियम, सिंपल सा। संख्या पलट जाएगी घात को प्लस से माइनस करने में, माइनस को प्लस करने में। अगला नियम, एक संख्या दूसरी संख्या से भाग लग रही हो, दोनों की घातें एक जैसी हो तो क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग घातें, मतलब एक ही घात दोनों को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, आधार समान होंगे, घातें भी बराबर हो जाएगी, किसी की भी घात जीरो कर दो, बात खत्म, एक आ जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं बेटा कुछ सिलसिला सवालों का। ठीक है, आज हम जो सवाल करेंगे बेटा टाइमर से करेंगे, आपको मैं टाइमर दूंगा, पहले आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आप वीडियो को रोकते नहीं है। हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया है, 5 मिनट का, दो कितनी देर का टाइमर रख दे, 10 सेकंड काफी है या 20 सेकंड ले लेते हैं। चलो सवाल दिख रहा होगा सभी को, करो कोशिश करो। चलो भैया टाइमर खत्म, ठीक है समय खत्म हो गया है, कैसे करेंगे देखो। दिया क्या भैया? 8 की घात 2/3। अब सिंप्लीफाई कीजिए, सवाल क्या है? सरल कीजिए 8 की घात 2/3 को। भैया 8 होता है क्या है? 8 बना किससे है पहले वो बात करेंगे। तो लिखा इस तरह से कि 8 की घात 2/3, तो करेंगे क्या? तो भैया जो संख्या होगी पहले उसके टुकड़े करके देखो, कैसे टुकड़े होंगे। तो अगर मैं 8 को लिखना चाहूं बेटा तो क्या लिख सकता हूं? 2×2×2 लिख सकता हूं। हाँ भैया लिख सकते हैं, इसी से तो बना था कि 2 में 2, 2×2=4, 4×2=8, यही तो बना था। आगे क्या बना होगा? आगे अगर देखो तो भैया ये वापस से देखो, संख्याएं गुणा हो रही है, आधार समान है, घाते जोड़ो, पहला नियम लगाओ, संख्या समान है, आधार समान है, घाते जोड़ दो, 1, 2, 3, घात कितनी? 2 की घात 3। यहां पर क्या हो गया? 2/3। अब आप जानते हैं कि घात की भी घात चढ़ा दी जाए तो क्या आता है? घात की भी घात चढ़ा दी जाए बच्चों तो घाते आपस में गुणा हो जाती है। अब ये 3 का गुणा करना 2/3 से सबको आता है, बच्चों वाला खेल है, 3 से 3 उड़ा दो, 2 की घात 2 का मतलब तो सब जानते हैं क्या आता है? 4। भैया कौन सा आंसर सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है चले अगले सवाल पे, समझ में आ रहा है बेसिक? चलो फिर से टाइमर ले लो, इस बार टाइम कम कर देता हूं फिर। ठीक है चलो,
चलो समय समाप्त तो हो गया है, चलो क्या करेंगे, सवाल कितना सिंपल था, सरल कीजिए 36 की घात 1/6। चलो कैसे करेंगे, देखो बेटा 36 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो दो तीन तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, दो दो से भी तोड़ सकते हैं, तीन तीन से भी, पर मैं कैसे तोड़ रहा हूँ ध्यान दो, मैं तोड़ रहा हूँ छाए छाए 36, मेरा फेवरेट नंबर छाए छाए 36 हो गया। यहाँ से तोड़ा 1/6, 6 की घात कितनी 2, बाहर 6 की घात कितनी 1/6। अगर भैया ये गुणा होता मैं डायरेक्ट काटूंगा, अब बहुत हो गया टाइम पास, 6 की घात 1/3। अब इसको समझो कि 6 की घात 1/3 दी होती बेटा, ठीक है, कल हम समझेंगे, जब हम करणी पढ़ेंगे तब हम आराम से समझेंगे, फिलहाल आप समझेंगे कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, करणी लगाई जाती है, अंदर 6 लिखा जाता है और यहाँ माथे के बाहर इधर, ठीक है, अब पीछे पीछे क्या लिखेंगे 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ भैया ये रहा सर ऑप्शन, लगा दिया, चलो फटाफट निकलो आगे, वापस ले लो टाइमर, ये हो गया स्टार्ट, करो सवाल फटाफट टाइमर में। चलो भैया छोटा सा सवाल था, टाइमर कम कर दिया हमने, करें कैसे करेंगे, सरल कीजिए 16 की घात 3/4। देखो देखो क्या करेंगे, अब आप 16 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, तोड़े 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अभी तोड़ा था 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, तोड़ दिया, बाहर 3 की घात 4, बाहर घात क्या है 3/4 है, अब 3/4 इसको क्या लिख लूँ, 1, 2, 3, 4, 2 की घात 4, आगे 3/4, 4 से 4 गया, क्या बचा 2 की घात 3, 2 की घात 3 भैया, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2, 2 × 4, 4 × 8, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करो, ये रहा टाइमर, ये स्टार्ट हो गया, चलो आगे निकलो। चलो भैया समय समाप्त तो हो गया, ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो अभी दशमलव का सवाल है, बहुत आराम से करना, ऑप्शन पे भी नजर डालना और दशमलव पे भी ध्यान देना, कितने दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं 5 अंक है, तो हम इसके केवल 5 ऐसे टुकड़े करेंगे जो 1024 बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, 1/5 है बाहर, बाहर भी 1/5 है, तो हम एक काम करेंगे, आप सबको इसको पता होना चाहिए कि भैया जब इस तरह से होता है, देखो दो दो से तो टुकड़े कर सकते थे, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिलहाल मेरी एडवाइस है कि आप चार चार के टुकड़े करो, किस किस के टुकड़े करो, चार चार के, तो 4 × 16 = 64, 64 × कितना होता है 4, तो ये हो गया 256, 256 में वापस से 4 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1024, कर लेना घर पे बैठ के, ये कर दी मैंने चार चार के टुकड़े, इस बार मैंने चार चार से करे, क्यों करे ये आपको कुछ समय के बाद पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा इन नंबरों की आदत पड़ जाएगी। ये कैसा आइडिया लगा, ये ऐसा आइडिया लगा कि ये 5 था तो मेरे को 5 ही टुकड़े करना थे, ठीक है, अब 4 की घात 5, यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/5, अब यहां ध्यान दो ये चीजें चल किस में रही है, दशमलव में, दशमलव हम बाद में लगाएंगे, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, 4 की घात क्या बच गई 1, यानी मतलब क्या 4, लेकिन भैया सवाल तो दशमलव में था सर, तो भैया इसके साथ दशमलव, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा, आ जाएगा, ये लो भैया ये रहा, आ गया सभी का 0.4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, गिन लेना आराम से, चले अगले सवाल पे फटाफट, चलो बच्चों वाला सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट करो। चलो भैया टाइम आप, क्या है सवाल, 1/2 - अब भैया घात आ गई माइनस में, अगला रूल लगाओ, रूल पे सारे सवाल चलेंगे, रूल याद कर लेना पहले वीडियो में जाके, ठीक है, 1/2 - 1/2, मैंने बताया था माइनस का ऑपरेशन घात में अगर हो जाए तो पहले माइनस को तो सॉल्व करो, घात को सिंपल करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने सीखा था कि 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2, बाहर क्या आ जाएगा 1/2, फिलहाल इसी इसको अभी अभी यहाँ रखोगे कि सर 1/2 आता है तो क्या करते हैं, तो अभी कल सिखाऊंगा पूरा अच्छे से, अभी सिर्फ ये सीखो कि इसको करणी लगाते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं बस, या 2 लिखो नहीं लिखो बाद में देखेंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है √2, सबका आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लो, टाइमर स्टार्ट हो गया।
ठीक है, खत्म करें टाइमर। चलो 15 सेकंड दे देते हैं, चलो बहुत है बहुत है, इतना टाइम बहुत है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। और देखो यहां पर बच्चों क्वेश्चन चेंज हो गया, सिंप्लीफाई नहीं करना। क्या लिखा, इफ 3 की पावर x प्लस 8 और यहां लिखा है 27 और 2 की पावर x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ x इज, यानी हिंदी में मैं बता देता हूं क्या होता है। हिंदी में बोला है कि ये समीकरण दिया है, अगर ऐसी कोई समीकरण हो तो उसमें x का मान ज्ञात करो। मैंने बताया था ना, एक रूल याद करो कि आधार समान है, ऊपर घाते क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आधार को पहले समान तो करो, यहां पर 3 है तो 3 की घात x प्लस 8 है। भैया हम आगे तो बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, तो 27 की घात क्या दिया है, 2x प्लस 1 दिया है। भैया 3 को तो नहीं तोड़ सकते, 3 तो ऑलरेडी सबसे छोटा होता है, तो 27 को तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, तो 3 × 3 × 3 तोड़ेंगे, ठीक है, फिर 2x प्लस 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो 3 की घात 3 हो जाएगी, बाहर क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा, बाहर क्या हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा होगा, तो 3 की घात क्या आ जाएगी, 6x प्लस 3। इधर क्या है भैया, 3 की घात x प्लस 8। अब भैया जानते हो आप सब, क्या जानते हो, बता दिया नियम मैंने, रूल पढ़ा दिया मैंने कि घाते आधार बराबर हो तो घाते क्या हो जाती है, बराबर। आधार बराबर है 3 3 दोनों तरफ, ये आधार कहलाता है, ये बराबर, तो घाते भी बराबर, यानी x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 3। चलो क्या करेंगे, ये सबको आता ही होगा, बच्चों वाला खेल है, x को x की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ भगा दो, भगाओ इसको जल्दी से, 6 की तरफ जाएगा तो 6x माइनस x, ये इधर आएगा तो 8 माइनस 3, 6 में से 1 गया तो x, 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 5, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, है ना, ध्यान से करियो, 5 से 5 खत्म, x का मतलब 1, ठीक है, इतना बड़ा पहाड़ वो निकला 1। चलो भैया आगे चलें अगले सवाल पे, समझ में आ रहा है, चलो अगला सवाल ले लो, टाइमर ले लो फटाफट, ये लो सवाल। चलो भैया टाइमर खत्म, क्या है सवाल, सरल कीजिए सरल कीजिए सरल कीजिए, क्या सरल करना है। अब देखो 64 की घात -2/3 और 1/4 की घात -2, दोनों की घातें माइनस में, पहले तो दोनों को प्लस में ले लो, तो आपको पता है 64 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1/64 हो जाएगा पलटने पर, ठीक है, घात क्या आ जाएगी, 2/3 आ गई, गुणे में क्या लिखा है, 1/4, तो ये क्या बन जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा, 1/4 4/1 हो जाएगा, हो गया, घात पावर में आ गई। अब देखो 64 के टुकड़े कर सकते हैं, 4 के तो करना पॉसिबल नहीं है, टुकड़े करो कैसे करेंगे, तो अब ध्यान दो चीजों को, सीखो, छोटे छोटे टुकड़े हर बार नहीं करना है, टुकड़े ऐसे करना है जो बाहर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए। कैसे, यहां 3 लिखा है तो इसके सिर्फ 3 टुकड़े हो सकते हैं, और 3 टुकड़े कौन कर सकता है, तो केवल 4 4 के ही 3 टुकड़े कर सकते हैं, 4 × 4 × 4, 4 × 16 16 × 64 हो गया, ये बटे में 1 आ जाएगा, यहां पर 2 की घात 3 लिखा ही होगा, ठीक है, ये 4 की घात 2 लिख दो, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, तो 1 4 की घात 3, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3, 3 से 3 गया, 4 की घात 2, यहां पर भी 4 की घात 2, पूरे से पूरे को क्रॉस किया, आ गया क्या, 1 आ गया, फिर से इतना बड़ा सवाल, और सर बार बार 1 आ रहा आएगा, भैया ऐसे ही तो सवाल आएगा। चले अगले सवाल पे, फिर से ले लो टाइमर, ये लो टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलो भैया टाइम है, आप छोटा सा सवाल था, क्या था, देखो क्या करेंगे छोटे सवाल में, क्या करेंगे, तो देखो अब पहले बोर्ड मास लगा ले, ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत सारे आ गए, पहले बोर्ड मास लगा लेते हैं। देखो 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, यहां पर 3 में से 1 गया तो 3 में से 4 गया तो 1 बचा, लेकिन ये 1 की घात माइनस में लिखी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, 1 की घात माइनस में लिखी है, तो ये 1 नहीं होगा, ये 1/1 होगा, यानी 3 - 4, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, इसकी ये माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ध्यान देना, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, घात माइनस में तो पहले प्लस में लाओ, प्लस में लाओगे तो नीचे माइनस का 1 बचेगा, अभी भी बाहर माइनस में क्या लिखा है, माइनस का 1 लिखा रहने दो, ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों जब भी ऐसा होता है ना कि नीचे माइनस आ जाए या ऊपर माइनस आ जाए,
नीचे माइनस आ जाए या ऊपर माइनस आ जाए, इनडायरेक्टली माइनस से माइनस टकरा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। ये माइनस बाहर लगा हुआ है, 3 और 4 7 होते हैं, लेकिन घात माइनस में अभी भी बेटा, तो जैसे इसको आप पलटोगे तो 7/1 1/7 खत्म। एक को तो लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, खत्म हो गया, ये लो सवाल खत्म। चलो आगे बढ़ो, समझ में आ रहा होगा सबको, अगले सवाल पे चलते हैं। ये लो भारी भरकम सवाल, करो फटाफट। चलो भैया टाइम आप क्या करेंगे देख लो, कैसे करते हैं देख लो। अब देखो बच्चों यहाँ पर अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है मेरे पास इसमें, एक अच्छा लॉजिक क्या है। अब आप सोचोगे एक सर पहले माइनस है तो पलटे, फिर माइनस है फिर पलटे, अरे दो बार पलटना है तो पलटे को पलटाना से अच्छा है तो गुणा ही कर दो, घाते आपस में गुणा कर दो, ठीक है। घात की घात है, घात की घात है तो घातों को गुणा कर दो, तो -1 2 तो ऐसे ही रह गया, -1/2 तो ऐसे ही रह गया। ये 2 का गुणा किससे होगा, इस 2 से होगा, और ये 2 माइनस का है, इसका गुणा -1 से होगा, तो ये माइनस माइनस का टकराएगा तो माइनस माइनस तो प्लस बना देंगे, 2 + 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 की घात क्या आ गई, 4। क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई। बहुत आसान हुआ, क्यों, हमने घातों का पढ़ा था ना नियम कि घात की घात चढ़ा, मतलब आधार में घात की घात चढ़ा दी जाए तो घातों का गुणा हो जाता है। अब ये -1/2 बेटा, ये जब घात पावर में आ जाती बेटा, कोई भी संख्या अगर माइनस की हो और उसकी घात कैसी हो जाए, सम समझते हो, 2, 4, 6, 8 आ जाए, तो रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो बस आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1/16 है कोई सा ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। बच्चों वाले सवाल है छोटे छोटे से, चले आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो इसके लिए भी टाइमर दे देते हैं, छोटा सा टाइमर देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देंगे इसको। चलो हो गया होगा, बहुत छोटा सा सवाल था, क्या करेंगे वही करेंगे जो अभी किया था, क्या करेंगे वही करेंगे अभी जो किया था। अरे भैया आधार ये है, घाते ये रही, घातों आपस में गुणा कर दो, तो -2 की घात क्या हो जाएगी, 2 × 4 और माइनस माइनस प्लस, 2 की घात हो गई 4। अब -2 है, अभी सिखाया था कि नंबर माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 कितना आ जाएगा, 16, ये रहा। चलो अगले सवाल पे चलो, अब आए सवाल अच्छे वाले, जरा इसमें टाइम भी ज्यादा मिलेगा, जरा आराम से करो। चलो हो गया होगा ये खत्म, चलो अभी उड़ाते हैं इसको भी फटाफट निपटाते हैं। क्या दिया, 256, और यहां पर क्या दिया है, उसकी पॉइंट में आ गई भैया, घात दशमलव में भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। 256 की घात 0.16 और गुणित 16 की घात 0.18, ऑप्शन पे नजर डालो तो 4 − 4 = 16, 256 ध्यान देते अब कैसे करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, तो देखो ये है 256, इसके टुकड़े करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके टुकड़े करने जाऊं तो देखो टुकड़े इस तरह से होते हैं, किससे टुकड़े कर ले, तो 256 को पहले अगर 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, आ जाएगा ये 64, इसके बाद तो आपको कहानी पता ही है, क्या करेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये फिर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये 16 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, फिर लास्ट में 4 आ जाएगा, ये खत्म हो गई कहानी। यानी हम इसके छोटे नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं, इतने ही टुकड़े करते हैं कि 4 की घात 4 × 4 × 4 यानी कितनी हो गई, 4। बाहर क्या लिखा है, 0.16, यहाँ क्या लिखा है, गुणा, इसको भी 4 में ले चलो, 4 की घात 2, यहाँ पर क्या हो गया, 0.18। अब घातों का गुणा कर दो, घातों का गुणा करो तो 4 की घात भैया 4 × 16 होगा 16 × 64 और 0.2 गुणा 4 की घात कितनी, 18 × 36 हो गई 36। चलो अब आपको मैंने सिखाया था पहला नियम क्या था, कि आधार समान होने पर घाते अगर दोनों आधारों में गुणा हो रहा है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, घाते जुड़ जाएगी, घाते किस तरह से जुड़ेगी, तो 4 की जो पावर हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 0.64 + 0.36 यानी 4 की पूरी क्या बन जाएगा, ये 64 और 36 क्या हो जाएंगे, 100 मतलब 1 मतलब 4 की घात 4, 4 की घात कितनी आ गई, 1, आंसर कितना आ जाएगा, 4, खत्म। चलो ध्यान क्या रखना था, कि ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं करना है,
ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलोगे, कई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि भाई दो में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। चलो अगला सवाल, वापस से टाइमर लो, ये लो टाइमर, स्टार्ट कर दिया है, फटाफट निपटाओ इसको। सेम सवाल है ये, तो बहुत आसान सवाल है, सबका आंसर आएगा इसका तो। हो गया होगा, चलो खत्म करो, ज्यादा देर नहीं लगाना। क्या निपटाना है इसमें? 256 की घात कितनी दी है? 0.16। अब देखो इसमें अभी चेंज ही नहीं करना, क्यों नहीं चेंज करना, सामने भी एक आधार है, 256 से गुणा हो रहा है, उसकी घात 0.09 है। तो एक काम करो, पहले घातों को जोड़ लो, 256 दोनों तरफ है, आधार समान है, घाते जोड़ लो, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। अब देखो बच्चे याद रखना, क्या याद रखेंगे कि 0.25 का मतलब निकलता है 1/4। क्या निकलता है? 1/4। तो 256 की घात कितनी आ जाएगी? 1/4। अभी ये 256 के टुकड़े करके लाए थे, कितने टुकड़े निकाले थे? चार चार के चार टुकड़े निकाले थे। चलो चार चार के चार टुकड़े कर दो, फिर से चार चार के चार टुकड़े करोगे तो 4 की घात 4, और ये 1/4, 4 से 4 चले गया। 4 ही टुकड़े क्यों कर दे सर? आपने 4 ही क्यों किए? ज्यादा भी तो हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे। अरे भैया बाहर 4 था, मेरे को 4 को ही तो निपटाना था, निपटा दिया, बात खत्म। क्या बचा? 4। आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो फटाफट निपटाते हैं अगला सवाल, ले ये लो अगला सवाल फटाफट, चलो स्टार्ट करो। हो गया भैया, चलो चलो चलो, हो गया भैया, इतना टाइम थोड़ी है। चलो देखो इधर क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब घात माइनस में आ गए। देखो 256 की घात माइनस में, और जो 4 दिया उसकी भी घात माइनस में, तो पहले उसको प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? तो देखो 256 घात लिखा है माइनस में, बाहर बाहर रहने दो माइनस में, 4 की घात माइनस 3/2 यानी 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 की घात 3/2 हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब आएगा कि 256 घात माइनस में यहाँ पर क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 की घात 2, ये 3/2, 2 से 2 गया, 2 की घात कितनी? तो 256 की घात कितनी? यहां पर माइनस 1/8, माइनस में घात है, इधर देख लो, अब इधर देख लो क्या होगा, 256 की घात 1/56, और घात क्या हो जाएगी? ये माइनस में थी, 1/8 आ जाएगी। ठीक है, ये कर लो, अभी तोड़ो, अब नहीं तोड़ूंगा मैं, चार चार में, चार चार के चार टुकड़े क्यों करूं, जबकि मैं 8 कर सकता हूं, 12 8 दिख गया, अब 8 करूंगा, 2 2 के तो 8 कर दूंगा, चार चार के क्यों करूं? तो 2 2 के टुकड़े करोगे तो बेटा 8 आ जाएगा, और बाहर भी 1/8 है। ठीक है, और ये पूरा बटे में है, ध्यान रखना, 8 से 8 कैंसल, 1/2 बचेगा आपका, है ना? इस तरह से करना है, जरा शांति से, है ना? ऐसा नहीं कि बस भिड़ गए, जो बता दिया सर ने वही हर बार वही भाई, ठीक है, हर बार एक चाल नहीं चलेगी। ठीक है, चेंज करते रहो, चीजों को चेंज करो, देख के सवाल चेक चेक करो। चलो अगला सवाल ले लो, चलो हो गया होगा, छोटा सा सवाल है। आगे एक और रूल, क्या रूल था? बताया था कि किसी के भी माथे पे 0 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कि उसका मान कितना है? 1। उसका मान क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, और ये घात क्या है? माइनस में, तो 1/3, ये क्या है? माइनस में, तो 1/3, माइनस में 3 की घात, फिर माथे पे 0 यानी 1। बस सॉल्व कर लो, ये तो कल से ही पढ़ रहे हैं अपन, 2 दिन हो गए इनको सीखते सीखते फ्रैक्शन को, 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है, और यहां से 3 में से 1 माइनस 3/3। ठीक है, अभी 3 से 3 गया, क्या बचा? 4/-2, 2 से 2 गया, ये गया 4 बार 2 बार -2, क्या आंसर आ जाएगा? -2 आ रहा है सबका, फटाफट निपटाओ रे, माथे पे एग्जाम है रे, जल्दी करो। चलो हो गया, चलो क्या देखे हो, देखा सवाल को, क्या करेंगे? देखो घाते जोड़ना है, ठीक है, घाते जोड़ने के लिए आधार क्या होना चाहिए? समान आधार, ये 2 है और इधर देखो ये 16 है, 2 के टुकड़े तो करना ही नहीं होते, किसके टुकड़े करेंगे? 16 के, कितने टुकड़े कर लो? तो चलो 4 कर लो, 2 की घात 4,
यहाँ पर आ जाएगा 0.16, यहाँ पर 2 की घात कितनी, 0.36, ये हो गया, ये छोल चौक 64 हो गया, येलो यहाँ पर कितना हो गया 2 की घात 36, 36 और 64 सौ, मतलब 1.00, 1.00 मतलब 2, ये खत्म, आंसर क्या आ गया 2। बच्चों वाले सवाल करवा रहा हूँ यार, इतना टाइम लगा रहे हो, चलो निपटाओ इसको फटाफट निपटाओ रे। चलो हो गया टाइम खत्म, चलो कैसे करेंगे देखो बच्चों, 243 243, अरे यार भैया अभी तो दिखाया था, अभी यहाँ पर ये दोनों समान है, दोनों की आधार समान है, घाते जोड़ दो तो 0.16 प्लस 0.04 कितना आ जाएगा 243, घात कितनी हो जाएगी 0.20, अरे इसका भी मतलब समझ लो रे, 0.2 का मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब इस अंदर वाले के अब टुकड़े करना है, कितने टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े करोगे कौन बताएगा, ये 5 बताएगा, 5 को खत्म करना है, कैसे करेंगे तो भैया किससे बना है 243, तो देख लेना 243 कैसे बनता है, कैसे बनता है तो 3 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा, ये 81, 3 का भाग लगाओ ये कितना आ जाएगा 27, 3 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 9, 3 का भाग लगाओ 3, 3 का भाग लगाओ 1, कितने टुकड़े 1 2 3 4 5 टुकड़े, 3 की घात 5, 3 की घात 5 बाहर 1/5, 5 से 5 गया, आंसर क्या करना है रे 3, क्या करेंगे 3। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अब लो भारी भरकम सवाल, जरा अब मजा आएंगे तुमको, जरा लो करो इसको निपटाओ। चलो टाइम खत्म, कैसे करेंगे देखो, देखो बोर्ड मास लगाना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है पहले कुछ रूल लगा लेते हैं। देखो बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई भी दिया है और डिवाइड भी दिया, पहले क्या होता है डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, पर यहाँ पर देखो 8 की घात 8 के माथे पे 0, इसका भी मतलब 1, इसका मतलब 1 मतलब इसका भाग लगाएंगे बेटा, इसका मतलब निकलेगा 1, इसका भाग लगाने जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हटाओ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 64 की घात 2/3 गुणा 2 की घात -2 है, तो पहले इसको 1/2 लिखो और इसकी घात 2 लिख दो, क्योंकि भाई माइनस से प्लस में लाएंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, और ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो अभी अभी अलग अलग है, यहाँ पर 64 और यहाँ 2 के टुकड़े तो बनते नहीं है, किसके टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े कर दो 64 के, 64 के टुकड़े कितने करोगे तो भैया ये बताएगा, कौन बताएगा, ये बाहर वाला, 3 टुकड़े करो कैसे होंगे, तो 4 की घात 3 लिख लो, 4 चौक 16 16 चौक 64, ठीक है समझ में आ रहा है, 2/3, 3 से 3 उड़ाया, 1/2 यानी 4, अब क्या बचा है भैया देखो, सब खत्म कर दिया मैंने, बाहर कुछ लिखा था 1/2, बाहर लिखा है 1/2 है ना, बाहर भूल नहीं जाना, बाहर क्या लिखा था 1/2, तो ये हो गया देखो आपका क्या हो गया 4 और ये 4, ठीक है ये 4 की घात 2 है, ध्यान दो जरा, ये 2 तो बची गया, तो 4 की घात यानी 4 × 4 और बटे में 4, इससे ये क्रॉस किया, बाहर क्या लिखा है 1/2, इसका क्या मतलब होता है, अरे भैया बताया था कि 4 की घात 1/2, कल ध्यान से सुन लेना जब समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना देख लो कि इसको करण ही लगा देते और अंदर 4 डाल देते और बाहर 2 निकल के आता है, क्या निकल के आता है भैया 2 निकल के आता है, और ये आपका सही आंसर, समझ में आ रहा है, देख लो अच्छे से सीख लो, ठीक है चलो अगले सवाल पे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्या अगला सवाल, फिर से टाइमर ले लो कि नहीं लेना है, ठीक है ले लो जरा सा, ये लो, चलो खत्म टाइमर, आगे बढ़े क्या करेंगे भाई, बहुत आसान सवाल है, 0.04 दिया, माइनस में दिए पावर, पहले तो माइनस से प्लस में लाओ पावर को, तो 0.04 की घात 1/5 क्या करेंगे, अरे भैया घात माए आपने दशमलव में, 3/2 लिखो क्या, नहीं मत लिखो, एक काम करो क्या लिखोगे, इसको लिख लो 0.2, ठीक है और उसकी घात 2 कर दो और बाहर ले लो 1/5, 1.5 ले लिया, इसका गुणा करो क्या आएगा 1/0.2 की घात हो जाएगी, आपस में टकराएंगे तो 1.5 × 2 = 3,
तो 0.2 की घात कितनी है, 3। अब यहां से क्या करोगे, यहां से क्या करोगे, तो देखो यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, तो 0.00 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कोई ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है क्या? ठीक है, ऑप्शन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल ले लो, ले लो अगला सवाल ले लो, करो टाइमर में। चलो हो गया होगा, आगे बढ़े, क्या हो रहा है अगले सवाल में देखो रे फटाफट। ये 4 है 0.5 है, एक काम करूं इसको 2 की घात 2 लिख लूं और 0.5 लिख लूं, इनटू ये 0.5 लिखा मैं, इसको 1/2 लिख लूं, लिख सकता हूं ना, बताया था ना अभी। ठीक है, घात बाहर 4, ये इससे टकराएगा तो 2 की घात 1 बनाएगा। ठीक है, और ये 1/2 यानी इसकी घात पूरी कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं देखूँ तो इसकी 2 की घात 4। ठीक है, इससे काटोगे तो क्या आएगा रे, इससे काटोगे तो ये 3 मतलब कितनी बच जाएगी, 4 में से गया तो 3, कितना आएगा, 1/2 की घात 3, इसका क्या मतलब निकलेगा, 1/8 आ रहा है सबका, देख लेना ध्यान से। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 2 का गुणा कर दिया 0.5 से, तो 5 × 2 = 10 यानी 1 बन गया। इधर 2 की घात 4 थी तो 2 की घात 4 ले ली। अब आपको नियम बताया था मैंने कि 2 संख्याएं बराबर हो, आधार बराबर हो तो घातें आपस में घट जाती है। मैंने 4 में से 1 को घटाया, 3 बचा, नीचे बचेगा क्योंकि नीचे बड़ी संख्या थी, नीचे बड़ी संख्या थी तो 2 की घात 3 आ गई, मतलब इसका मतलब क्या होता, 8 आ गया आपका आंसर। ये रहा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। चलो अगले, चलो ये ले लो टाइमर। हो गया, देखो इसको लॉजिक से समझेंगे, कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, आपको क्या दिया है यहाँ पर, मैंने बताया था कि आधार बराबर होंगे तो घाते आपस में बराबर हो जाती। यहाँ पर एक 42 दिख रहा है और यहाँ पर भी एक 42 दिख रहा है, लेकिन ये 0.42 दिख रहा है और ये 100 × k दिख रहा है। अब ऐसा कब हो सकता है कि हम अगर इसको माने, कुछ यहाँ पर k दिया है, आपको मतलब क्या निकालना है, k का मान निकालना है, k ऑप्शन है 4, 3, 2, 1 है, तो चलो क्या कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ k निकालनी है, तो आप कुछ ऐसा मानो कि 0.42 में 100 की घात ऐसी हो जिससे गुणा होने पर 42 आए। ऐसा तभी पॉसिबल है बेटा जब 0.42 में केवल किसका गुणा हो, 100 का, किसका गुणा हो, 100 का, तो ये क्या बना देंगे, 42, इधर भी 42 उधर भी 42, इसका मतलब 100 की घात क्या हो सकती है, 1। अब 100 की घात 1 मतलब k का मान क्या हो गया, 1, ये हो गया खत्म आंसर। ठीक है, लॉजिकल सवाल था, बिल्कुल आसानी से हमने कर डाला, सिर्फ ये सोचा है कि 42 कब बनेगा, कैसे बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा और नहीं बन सकता, 0.42 में 100 का ही गुणा करना पड़ेगा, कम या ज्यादा करोगे, 10 का करोगे, 1000 का करोगे, नहीं बनेगा वो 42। ठीक है, चल अगले सवाल पे, ये लो अगला सवाल। ठीक है, ये लो भैया, ये 2 सवाल तुम्हारे होमवर्क के, ये होमवर्क, ठीक है, और ये भी तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, ध्यान से, चलो भैया ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आपको बताना जरूर कमेंट में। ठीक है, अगले फिर मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होगी, लाइक शेयर सब कुछ करें, ठीक है, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, और तैयार रहे, एग्जाम कभी भी हो सकती है ना, बम कभी भी फूट जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए देखते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।